कहते हैं प्याज हर घर की रसोई का राजा होता है, लेकिन राजा पर किसी की नजर लग गई है। जी हाँ, लॉकडाउन के समय प्याज के आसमान छूते रेट ने आपकी जेब ढीली होते देखा था। अब वही प्याज नए छिलके के साथ परत दर परत दाम को बढ़ा रहा है। कोरबा के बाजार में प्याज 50 रुपए में बिक रहा है। दुकानदार इसकी वजह बता रहे हैं कि आवक कम हो रही है और कैसे दाम महंगा हो रहा है। जरा आप भी ध्यान से सुनिए। क्या है, प्याज सर अभी कम आ रहा है, इसीलिए ना प्याज थोड़ा महंगा है, और ये होली बाद प्याज का रेट गिर जाएगा। और प्याज जो है अभी 36-37 खरीदी आ रहा है, बीच में जो है प्याज 20-25 हो गया था, लेकिन इसमें काला बाजारी हो रहा है, क्या हो रहा है, हम लोग छोटे मार्केट वाले हैं तो हम लोग उतना जानकारी नहीं है, लेकिन प्याज में ना इस साल काला बाजारी ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए रेट बढ़ा हुआ है। प्लस ये प्याज का रेट गिरेगा आपका होली बाद, क्योंकि नया प्याज और आ जाएगा, तो उस समय पैदावार ज़्यादा होगा तो आपका प्याज ज़्यादा है। अभी कम आ रहा है या काला बाजारी भी हो रहा है शायद कुछ, इसीलिए प्याज का रेट बढ़ा हुआ है, क्योंकि प्याज सड़ने की चीज़ नहीं है। इसको क्या करते हैं बड़े गोदाम वाले, इसको स्टॉक करते हैं। और आलू ये है जो नया, ये काला होता है, इसलिए 10 रुपये किलो। तो सुना आपने प्याज के दाम कैसे बाजार में आते ही बढ़ रहे हैं, इसके पीछे का क्या खेल चल रहा है। प्रशासन पिछली बार जमाखोरी और कालाबाजारी पर नकेल कसने गोदामों में छापामार कार्रवाई किया था, लेकिन हाफ सेंचुरी रेट सेंचुरी ना मार दे, ये बड़ा सवाल है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट।